डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में प्रस्तावित सैंपल कलेक्शन सेंटर के लिए लोक निर्माण विभाग को 11 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। अब लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सैंपल कलेक्शन सेंटर का निर्माण कार्य किया जाएगा। निर्माण कार्य पूरा होने के उपरांत मरीजों को ब्लड यूरिन का सैंपल जमा करवाने के लिए वर्तमान में संचालित लैबोरेटरी के बाहर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। सैंपल कलेक्शन सेंटर पर ही सैंपल जमा होंगे तथा यहां से ही सीधे लैब पहुंचा दिए जाएंगे। मरीजों की सुविधा हेतु यह फैसला मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल प्रबंधन ने लिया है। बताया जा रहा है कि सैंपल की रिपोर्ट भी मरीजों को समयबद्ध सैंपल कलेक्शन सेंटर पर ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। इस कारण मरीजों को भी सैंपल देने तथा रिपोर्ट प्राप्त करने में सुविधा होगी। जानकारी दें थोड़ी सी। अच्छा, जो हमारी जो एक्चुअली हॉस्पिटल की जो सेंट्रल लैब है तो वो नीचे है, क्योंकि वहाँ रैंप नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीढ़ियों से जाना पड़ता है, तो थोड़ा पेशेंट्स को प्रॉब्लम आती है सैंपल देने के लिए। तो हमने प्रिंसिपल साहब से बात करके हमने ये डिसाइड किया कि एक सैंपल कलेक्शन सेंटर ओपीडी के पास बने ताकि पेशेंट्स को प्रॉब्लम नहीं हो अभी वहाँ पर, क्योंकि इस जगह की काफ़ी कमी है। आपको पता है हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, मेडिकल कॉलेज बन गया है। तो एक एस्टीमेट बनवा के हमने प्रिंसिपल सर को भेजा था। तो हमारे पास कुछ इस तरह के फंड्स होते हैं जो लोग कल्याण समिति में, तो उसके थ्रू हम ये सैंपल कलेक्शन सेंटर जो है बनवा रहे हैं। कितना बजट होगा सर इसके? इसका करीब 10-11 लाख के आसपास है। तो उससे यह हो लोगों को सुविधाएं होंगी कि ब्लड सैंपल है, यूरिन सैंपल है, कोई भी किसी भी तरह का सैंपल है, वो एक ही जगह कलेक्ट हो जाएगा और वो फिर हमारे जो स्टाफ के जो लैब के कर्मचारी हैं उन सैंपल को लेके नीचे लैब में जाएंगे और जब टेस्ट होगा और रिपोर्ट लेके ऊपर आएंगे, उसी सैंपल कलेक्शन सेंटर पे ही रिपोर्ट फिर जो भी टाइम होता है मिलने का, रिपोर्ट वापस मिलने का, वो टाइम भी फिक्स कर लेंगे, वहीं सैंपल कलेक्शन सेंटर से ही पेशेंट्स को की रिपोर्ट मिल जाएगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।